आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में ऐप ड्रॉअर ओपन कर रहे हैं और ऐप ड्रॉअर ओपन करने पर यहाँ पे आपका कीबोर्ड ओपन हो रहा है, यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में सर्च करने के लिए ऑटोमेटिकली कीबोर्ड ओपन हो जाता है, तो इसे बंद कैसे करें, ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें, तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए और सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर आएगा ये होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, या फिर आपके फ़ोन में बस होम स्क्रीन के नाम से आएगा। हमारे फ़ोन में बट ये होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अब ऐसा पेज आएगा, उसके बाद ऊपर आएगा ये होम स्क्रीन मोड, तो यहाँ पे आप होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आएगा। और अगर आपको सेटिंग्स में ये नहीं मिलेगा तो इसके लिए जब आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करेंगे तो फिर सबसे ऊपर आएगा ये सर्च सेटिंग्स, तो इस सर्च बार पर क्लिक करिए, टाइप करिए होम स्क्रीन मोड, उसके बाद आएगा ये सर्च में होम स्क्रीन मोड, तो इस पर क्लिक करिए, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये स्टैंडर्ड मोड, इसके साइड में ड्रॉअर मोड आएगा, तो आपका ये ड्रॉअर मोड ऑन होता है। तो नीचे आइए, नीचे आकर आपको मिलेगा डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, तो आपका ये ऑन होता है, तो आप इसे बंद करिए, तो यहाँ पे इसे ऑफ़ करिए। अब इसे ऑफ़ करने के बाद, बंद करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाइए और उसके बाद अब चेक करिए ऐप ड्रॉअर ओपन करने पर कीबोर्ड या फिर सर्च बार ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।